अब उससे होगा क्या कि हम उस डिसीजन के बारे में हम उस इंफॉर्मेशन के बारे में या बहुत ज्यादा एसोसिएट हो जाते हैं या उसको बिल्कुल ही इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो वी हैव टू बी केयरफुल कि जब कभी भी हम डिसीजन मेकिंग ना दें इंफॉर्मेशन को अनल हमने उन तमाम को, उस को, वो वो कर लिया हो इनिशियल इंप्रेशन

कि इन बिजनेस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंकर पास्ट इवेंट और ट्रेंड हिस्टोरिकल डाटा को हम हमेशा वेटेज देते हैं हम हमेशा ये देखते हैं कि माजी में कौन कौन से इवेंट्स हुए कौन कौन से फिनोमिनाज हुए और उनको अब हम कैसे टैकल अप करें देयरफॉर पास्ट इवेंट्स के बारे में हमें सेंसिटिव रहना तो जरूर है लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि वो पास्ट इवेंट, वो माजी का वाकया वो हमारे हाल के डिसीजन मेकिंग को और इस तरीके से करे कि हम रियलिटी को भूल जाएं, हम असल फैक्ट्स फ़िगर्स को पसे डाल negotiations. Negotiations के भी, माजी में हुए फैसले बहुत से इनिशियल इंप्रेशन बहुत से डिसप्रोपोर्शनेट वेटेज ऑफ द इंफॉर्मेशन वो हमारे सामने आ जाता है और नतीजा ये निकलता है कि हमारी निगोसिएशन उतनी ज्यादा कंक्रीट नहीं रहती हमारी निगोसिएशन के अंदर लूप होल्स आने शुरू हो जाते हैं हम निगोसिएशन को लूज वो कर बैठते हैं तो दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ एंकरिंग ट्रैप एंड वी हैव टू बी केयरफुल कि हम उस ट्रैप को इग्नोर कर सकें उस ट्रैप को अपने आप से जुदा वो कर सकें सो व्हाट कैन वी डू अबाउट इट इट इज सेड that the decision makers display a strong bias towards alternatives that perpetuate the status quo so us maqsad ke liye ab hame kuch advices wo di ja rahi hain the first advice is that always view a problem from different perspective ek hi cheez ko mukhtalif pehluon se dekhen बिकॉज different व्यू पॉइंट से देखने से हो सकता है कि उस चीज के बारे में आपकी interpretation वो ऑल टूगेदर तब्दील हो जाए The second एडवाइज इज Think about the problem on your own before योर by others' ideas. पहले चीज को खुद समझें खुद एवेल्युएट करने की कोशिश करें खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करें फिर दूसरों के मशवरे को शामले हाल करें बिकॉज हो सकता है कि दूसरे के मशवरे के आने से ऑल टूगेदर आपका व्यू पॉइंट अबाउट दैट फिना वो बदल जाए have थिंग इज change-oriented. Or your open-mindedness he, kihogi, to get ourselves ready to accept the confusions, because sometimes confusions are there, and we have to adjust, absorb and digest them. The fourth important advice is basically that if you reveal too much, your own preconceptions may simply come back to you. सो so, हमें ये देखना होगा कि कितनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए एलेबोरेट करनी जरूरी है कितनी इन्फॉर्मेशन वी इनफ टू बी डिस्कस हम इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जिसमें हमारे आर आर द द एक्चुअली डिजायर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजायर्ड एंडिफ्त द सिचुएशन द द फिफ्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट इज दैट बी पर्टिकुलरली कॉशियस ऑफ इन एंकर वो फर्स्ट इंप्रेशंस क्या हैं

प्रॉब्लम उसी तौर सही रिजोल्व होगी जब हम उस प्रॉब्लम को क्लासिफाई करना जाने जब हम ये बात समझ सकें कि उस प्रॉब्लम की एलैबोरेशन वो किन अल्फाज में की गई है और फिर उस प्रॉब्लम के बारे में हमारा डिसीजन मेकिंग इन टू इंप्लीमेंटेशन वो कैसे जा सकता है इस मकसद के लिए सबसे अहम अमर यह होगा कि हम अपने ह्यूरिस्टिक्स जजमेंटल शॉर्टकट्स हमारी परसेप्शन हमारी बायसेस हमारे प्रजुडस एटीट्यूड्स इन तमाम चीजों को हम एक मेरिट पे वैल्यूएट करें और वो मेरिट ही इस बात को डिटरमिन करेगा कि विच डिसीजन इज एक्चुअली गोइंग टू बी द राइट डिसीजन थैंक यू